फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर पर ऐसा क्या कह दिया जिससे हंगामा शुरू हो गया है। आखिर अपने इस तरह के बयान से फारूक क्या साबित करना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पर अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की समस्या पर भारत को अमेरिका और चीन से मदद लेने की सलाह दी है। अपने बयान में फारूक ने कहा है कि हम लोग चीन और पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तरह उनके पास भी एटम बम है। ऐसे में इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि दोस्तों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए, मुद्दों को हल करने के लिए कीजिए। अब्दुल्ला के मुताबिक कभी कभी बैल को सींग से पकड़ना होता है, कभी ऐसा भी करना पड़ता है। उधर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आते ही उनका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर समस्या पर फारूक अब्दुल्ला के सुझाव को सिरे से खारिज किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए किसी तीसरे देश को बुलाने की बात करना गलत है क्योंकि कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने भी इस बयान के लिए फारूक अब्दुल्ला की कड़ी निंदा की है और कहा है कि क्या फारूक अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के सामने घुटने टेके? क्या वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की बात हो जो पाकिस्तान को अपने सपने पूरा करने में मदद मिले? इतना ही नहीं, निर्मल सिंह ने इस बयान के लिए फारूक अब्दुल्ला से माफी मांगने की भी मांग की है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या पर बेतुका बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन किया था और कहा था कि वो लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्हें देश भर की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।